नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे प्लेन चीट, जो कि एंथोनी की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये तुम्हारे सड़े विचारों की गंदगी है जो बदबू का रूप धारण कर लेती है। अब मैं वही काम तुम्हारे साथ करूंगा जो तुम थोड़ी देर पहले इन निर्दोष लड़कियों के साथ करने जा रहे थे। नहीं, तेरी रैगिंग तो मैं चाकू से करूंगा। ओह, मुर्दे पर चाकू का प्रहार! तुम्हारे हाथों में किताबों के स्थान पर चाकू है। तुम लोग कॉलेज में रैगिंग नहीं करते, गुंडागर्दी करते हो। स्क्रेस आ! एंथोनी के हाथ में बकबक का आई कार्ड था। ओह, तो तुम चारों रूपनगर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। प्रिंस मुझे बता रहा था कि तुम खुद को सीनियर्स कह रहे थे। अगर तुम इसी कॉलेज के छात्र हो तो फिर सीनियर्स नहीं हो, क्योंकि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ। सीनियर मैं हूँ, तुम नए हो, पुराना मैं हूँ। ग्लुप, रैगिंग मैं तुम्हारी करूँगा। आखिर तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि ऐसे रैगिंग से किसी को भी तकलीफ हो सकती है जो शिष्टाचार से परे जाकर की जाए। तुम लोग छात्र ना होते तो तुम्हें और कड़ी सजा देता, मगर अब तुम्हारी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि प्रिंस तुम पर नजर रखेगा। और तुम लोग भी सुरक्षित हो, घर जाओ। थैंक यू एंथोनी। कौन था वो? अचानक आया और अचानक चला गया? वो पास आया था तो मुझे फूलों की खुशबू का एहसास हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ। वो ब्लैक या एंथोनी कौन था यार? उसने तो हमारा मुंह काला कर दिया और उन लड़कियों के आगे हमारी इंसल्ट भी हो गई। ये सब एना के कारण हुआ। पहले कल उसे लाइब्रेरी में दबोचेंगे, फिर एंथोनी को भी देख लेंगे, मगर फिलहाल अपने चेहरे साफ करने का इंतजाम तो करो। ये काम घर पहुंचने से पहले नहीं हो सकता, लेकिन किसी ने पूछा तो क्या कहेंगे? कह देंगे कि एक नाटक में पार्ट लिया था। ठीक है, कल मिलते हैं। मुझसे तो तुम्हें आज ही मिलना होगा। हाँ, कौन? पहचान सकते हो तो पहचान लो। तुम? डीसीपी इतिहास उस लाश को देखकर चिहक पड़ा। ये ऐसी लाश तो हीरो ग्रुप के लिए शौक था। चौखे को किसने मार डाला? उन लड़कियों के चक्कर में ही रात को हमें देर हो गई थी। इसकी मौत की जिम्मेदार वही है। संचिता और मीना के लिए भी वो खबर बिजली के बराबर थी। तुमने सुना? एना चौखा मारा गया। अच्छा हुआ, ऐसे लोग धरती पर बोझ होते हैं। बकबक के सिर पर जो जुनून सवार था, उसको आज लाइब्रेरी में उतार देना चाहता था। मेरे दोस्त तो चौखे की क्रिया में हिस्सा लेने के लिए उसके घर पर हैं, लेकिन मैं तुझे खत्म करने चला आया। आज तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, और मैं सोच रही हूं कि बचना किसको है। उफ, लाइब्रेरी में मिली बकबक की लाश ने पूरे कॉलेज में सनसनी फैला दी। चौखे की हत्या के बाद उसके दूसरे साथी बकबक की हत्या भी उसी ढंग से। इन्हें कौन मार रहा है ना? वक्त, इसका समय आ चुका था। आज एंथोनी की कब्र के पास मौजूद था डीसीपी इतिहास। ये दोनों हत्याएं ठीक वैसे हुई है जैसे डायना ने इन्हें अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन इसे तो हमने मार डाला था। लेकिन उसे तो हमने मार डाला था। प्रिंस, तुझे उन पर नजर रखने को कहा था। काँ? आ, तो किंग के पास चला गया था और इसलिए ये घटनाएं हो गई। हत्यारा कहीं उन तीन लड़कियों में से तो कोई एक नहीं है? मैं जल्द ही हत्यारे को तुम्हारे पास ले आऊंगा। आज रात मौत चिंगम के घर पर दस्तक दे रही थी। ठक ठक, ठहरो, खोलता हूं। तुम? अरे, अंदर कहाँ आ जा रही हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? ये बताने कि तुम्हारे दो दोस्त किसके हाथों तो मारे गए थे? क्या? ओह, क्या तुम जानती हो? हाँ, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ओह, इसका मतलब तुम ही खूनी हो? सरार, तुमने ठीक पहचाना। आई आई नहीं! इस बार प्रिंस समय पर पहुंच गया था। काँ? उफ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो हत्यारी तुम होगी। तुम में इतना दुस्साहस कहाँ से आया? और बहुत खूब तरीका चुना तुमने हत्याएं करने का, ताकि किसी का तुम पर शक न जाए। तड़ाक, अखबारों में डायन की चर्चा हुई थी। पुलिस अभी भी यही समझ रही है कि यह हत्याएं डायन कर रही है, मगर अब तुम्हारी पोल खुल चुकी है।
कॉलेज में हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ शरारती तो कुछ ज्यादा शरारती। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि उन्हें उनकी शैतानियों की सजा मौत के रूप में दे दी जाए। मौत केवल गंभीर अपराधों की ही सजा हो सकती है। अब तुम्हें सजा कानून देगा। सहसा एना का स्वर और चेहरे के भाव दोनों बदल गए। तुझे या तेरे कानून को सजा देनी है तो तू कसूरवार को दे। निर्दोष को सजा क्यों दे रहे हो? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ये स्वर तो तो ठीक पहचान रहा है एंथोनी, ये स्वर मेरा है, डायना का। पिछली रात एना के हाथों जो कत्ल हुए वो मैंने करवाए हैं, क्योंकि अपना शरीर वापस पाने के लिए मुझे खून चाहिए। तूने ठंडी आग में जिसको जकड़ा है वो एना है। मुझे एक स्त्री शरीर की आवश्यकता थी। मैंने एना के शरीर पर उस वक्त कब्जा कर लिया था जब वो मेरे बंगले में अपनी सहेली का पर्स लेने आई थी। अब तड़प एना रही है, मुझे कुछ नहीं हो रहा एंथोनी। ओह, तूने इस भोली भाली निर्दोष लड़की को अपना शिकार बना रखा है। अब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे एंथोनी, क्योंकि तुम मुझे मारोगे तो ये बेचारी निर्दोष मारी जाएगी, और जब तक मैं इसके शरीर में हूँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे ठंडी आग को वापस खींचना होगा। देखो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसे मार दूंगी और इसका खून भी पी जाऊंगी, मगर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे बचाओ। क्या हम विवश हो गए हैं प्रिंस? क्या हम उसे मनमानी से नहीं रोक पाएंगे? ओह, ये तो डीसीपी इतिहास की जीप है। नहीं इतिहास, ऐसे भूल मत करना, गोली मत चलाना। वो डायन है जिसने एना के शरीर पर कब्जा किया हुआ है। मैं एना को नहीं रोक सकता तो क्या हुआ? चिंगम को यहाँ से दूर तो कर सकता हूँ। तूने उसे बचा लिया पर इतिहास को नहीं बचा पाएगा। इसी ने मुझे गोली मारी थी। उफ, ये इतिहास को मार डालेगी। एंथोनी ने प्रिंस की ओर देखा। काँ प्रिंस, ये क्या ले आया तू? ये तो वही प्लेन चीट है। ओह, इसे पहले तू डायना के गले से खींच कर ले गया था। प्लेन चीट जिस पर भटकती आत्माओं का आवाहन किया जा सकता है। प्रिंस, इसे तू बड़े ही सही अवसर पर यहाँ लाया है। अब मैं इस पर डायन की भटकती रूह का आवाहन करूंगा। प्लेन चीट पर किसी जीवित इंसान की रूह का आवाहन संभव नहीं, किंतु इस वक्त डायना की रूह जिस शरीर में है वो भी इसका अस्थायी शरीर नहीं है, इसलिए डायना की रूह को प्लेन चीट पर आना ही होगा। डायना, प्लेन चीट पर आओ। नहीं, इसे दूर करो। अब तेरी समस्या हमेशा के लिए दूर करूंगा। आओ प्लेन चीट पर आओ। नहीं, आओ आओ आओ। धम। किसी ने सच ही कहा है डायना कि हर समस्या का हल होता है। चला प्रिंस, इसे मैं अपनी कब्र के पास ही दफना दूंगा। छोड़ो मुझे, मुझे आजाद कर दो एंथोनी। चुप काओ। उठो बेटी, अब तुम ठीक हो। शैतान डायना की आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल गई है। ओह, उस दिन बंगले में, हाँ, वो दुष्ट आत्मा ही थी। फिर हम तुमसे माफी मांगते हैं एना। हम सौगंध देते हैं कि आज के बाद हम रैगिंग का गलत ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें एक गाना सुनाना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल बॉलीवुड पिटारा और डिवाइन टेक्नोलॉजी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।